ये है टॉम एंड जेरी शो, जहां चाहे अल्लाह गुल्ला मचाए दोनों। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज इन, और आज हम बात करने वाले हैं 90s का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शो, जो कि आज भी टीवी पे देखने के बाद आप हंसी पड़ते हो, जिसमें डायलॉग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक के साथ हमने काम चलाया है, और जिसमें ह्यूमंस तो दिखे हैं लेकिन उनकी शक्ल कभी नहीं दिखी है। इस तरह से जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं कर रहा हूँ बात टॉम एंड जेरी की। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे टाइम का यानी 90s के ज़माने का बहुत ही ज़्यादा फेमस कार्टून है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जिस तरह से सारी चीज़ें इसके हर एक एपिसोड्स, हर एक मूवीज़ 3D में भी दिख चुका है, 2D में भी दिख चुका है, बहुत सारी इन्वेंशंस में दिख चुका है, और अब WB यानी वार्नर ब्रॉस हमारे लिए लेके आया है एक लाइव एक्शन में टॉम एंड जेरी। जी हाँ दोस्तों, टॉम एंड जेरी भले ही इसमें लाइव नहीं है, बट जितने भी दिख रहे हैं, जितने भी कार्टून्स के हिसाब से उनको रखा गया है पूरे लाइव एनवायरमेंट में, वो बहुत ही ज़्यादा फनी दिखने वाला है। और जिस वे में इसका ट्रेलर निकल के आया ना दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रेलर है। अभी तक आपने अगर नहीं देखा है ना तो जाके देख लो, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपको इस ट्रेलर के बारे में क्या कहना है, अभी के अभी जाके देखो। और आज हम करेंगे टॉम एंड जेरी मूवी का पूरा ट्रेलर ब्रेकडाउन, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टारकास्ट की। इसमें क्लोए मॉट्स नज़र आ रही है, माइकल पीना है, जी हाँ दोस्तों, और बॉलीवुड के भी कुछ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पल्लवी शारडा है और अजय छाबरा जैसे किरदार हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ एक और फेमस कैरेक्टर है, जी हाँ दोस्तों, किंग जोंग एक तरह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो वो भी इस फिल्म में हमें नज़र आ रहे हैं। और ये फिल्म हिंदी में डेफिनेटली रिलीज़ होने वाली है, क्योंकि वार्नर ब्रॉस इंडिया ने इसका ट्रेलर रिलीज़ किया है हमारे इंडिया में, यानी इंडिया की तरफ से इंडियन यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें लिख के भी आया है ट्रेलर के एंड में कि ये हमें हिंदी में देखने को मिलने वाली है। ये 5 मार्च 2021 को रिलीज़ होगी। होप सो, आशा करता हूँ कि तब तक सारी चीज़ें ठीक हो जाए और हम थिएटर में जाके इस फिल्म को एंजॉय कर सकें, क्योंकि दोस्तों हमने आज तक इस पूरे के पूरे टॉम एंड जेरी सीरीज़ को, मूवीज़ को कह लीजिए, बाकी सारी चीज़ों को कह लीजिए, हमने सिर्फ और सिर्फ टीवी पे ही देखा है, और वो भी CRT मॉनिटर्स या पुराने ज़माने के डब्बा टीवीज़ में। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हमें ये मौका मिला है कि बड़े स्क्रीन पे देखने का, तो हम डेफिनेटली जाएंगे और डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करेंगे। जिस वे में टॉम एंड जेरी पहले से बचपन से ही दिल में उतरा है, दिमाग में चढ़ा है, उस वे में सारी चीज़ें हम लोग करेंगे जब इसका पूरा ये मूवी रिलीज होगा। बहुत ही कमाल धमाल सी चीज़ें करेंगे, कुछ गिव अवेज रखूँगा मैं, आप समझ ही जाना, अब बहुत सारी चीज़ें हम लोग धमाल से करने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं ट्रेलर की तरफ। ट्रेलर के स्टार्ट में हमें पता चल रहा है कि भाई टॉम एंड जेरी दोनों अलग हो रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ये एक दूसरे के फेमस एनिमीज रहे हैं, तो वो धीरे धीरे वो वहाँ पे अलग हो रहे हैं बहुत टाइम के बाद। जहाँ पे अलग होते ही जेरी को लगता है कि नहीं, क्यों ना एक हक किया जाए और उसे वापस बुलाया जाए टॉम को, जहाँ पे दोनों रोड क्रॉस कर जाते हैं अलग अलग डिफरेंट जगह पे, जहाँ पे टॉम खुश होकर उसको हक करने के लिए आता है। जैसे ही वो रोड पे आता है, वैसे ही वहाँ से आती है बस जो उसको लेके जाती है न्यूयॉर्क सिटी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी सिटी में ये दोनों पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम एक RG होटल नामक एक होटल देखते हैं, जहाँ पे नई बंदी आ चुकी है काम करने के लिए, कायला नाम से, जो कि क्लोए मॉड्स प्ले कर रही है पूरा उनका किरदार। जहाँ पे एक प्रॉब्लम है होटल के अंदर, वो क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम है कि भाई इस होटल में एक चूहा है, यही बड़ी प्रॉब्लम है जो इसको सॉल्व करनी है। और इनका साथ देने वाले हैं माइकल पीना, जो कि ट्रेरेंस का किरदार प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में, तो इन दोनों को मिलके उसको भगाना है माउस को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत बड़ा इवेंट यानी बहुत बड़ी शादी होने वाली है इस होटल में, इस वजह से उसको पहले भगाना है, ताकि वो शादी में कोई इंटरफेयर ना हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बट दोस्तों, टॉम एंड जेरी है तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्यों नहीं होगा और क्यों हमें मज़ा नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तब वो जाती है डायरेक्टली माउस के दरवाजे के ऊपर, यानी जेरी के घर के ऊपर डायरेक्टली दरवाज़ा ठोकती है और पूछती है कि भाई तुम कौन है। तब वो एक छोटा सा क्यूट सी एक डायरी देता है कि जेरी माउस अ माउस, उसकी स्टोरी बताता है एक छोटे से बुक में लिखी है, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। उसमें क्यूट कैरेक्टर लग रहा है हमारा जेरी, और टॉम भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हमेशा लगते आते हैं, इस मूवी में भी वो उतने ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। अब
इससे निजात पाने के लिए वो लोग लेके आते हैं टॉम को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ना चाहते हुए भी कोई और कैट नहीं मिलती, उनको टॉम ही मिलता है और वहाँ पे उसके सामने टॉम को रख दिया जाता है, जहाँ पे जेरी टॉम को देखने के बाद हंस पड़ता है कि हाँ मुझे पकड़ने के लिए इसको लाए हो, इसको तो हज़ार बार हरा चुका हूँ मैं। उस वे में वो हंसता है और फिर उनकी जो धर पकड़ वाली चीज़ें होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा पूरा होटल ये तबाह होने वाला है अभी, जिस वे में हमें दिख रहा है, जहाँ पे माइकल पेना भी दिख रहे हैं हमें और किंग जोंग भी दिख रहे हैं एक शेफ की भूमिका में, वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और दोनों के बीच में फिर लड़ाई झगड़ा, फिर नोकझोंक, सारी चीज़ें होने वाली है, जिस वे में टॉम हाथ धो के जेरी के पीछे पड़ेगा और टॉम को यही चीज़ करने के लिए उसको हायर किया है इस होटल में कि वो जेरी को भगाएगा। तो अब हमें देखना यह होगा कि एक्चुअल में टॉम जेरी को भगा भी पाता है या दोनों ही भाग जाते हैं या फिर दोनों ही समझौता कर लेंगे और इस पूरे जगह पर राज करेंगे, वो देखने लायक बात रहेगी। तो यही दोस्तों पूरा मूवी का कॉन्सेप्ट होने वाला है कि एक होटल है जिसमें एक है माउस और एक आया है कैट, हायर किया उन लोगों ने उसको भगाने के लिए। तो ये भगा भी पाता है या नहीं वही देखने के लिए हमें देखनी पड़ेगी टॉम एंड जेरी मूवी, जहाँ पे बैटमैन का ईस्टर एग भरा पड़ा है। वो कौन सी बैटमैन का ईस्टर एग है दोस्तों जो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने वो बैटमैन मूवी देखी है या आपको उतना भी नॉलेज हो तो आप बता सकते हो कि ये ईस्टर एग किस बैटमैन मूवी का है। बहुत ही कमाल धमाल सा मजा आने वाला है, पूरा का पूरा वो धर पकड़ वाली जो चीज़ें हैं ना, जो टॉम जेरी के पीछे पड़ा है हाथ धो के, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और साथ ही साथ उसके गैजेट्स, टॉम के गैजेट्स कैसे भूल सकते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कुछ ना कुछ चीज़ें बना ही लेता है जेरी को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों यही है अमेजिंग सा टॉम एंड जेरी का ट्रेलर। 5 मार्च को हम लोग जाएंगे थिएटर्स इस फिल्म को देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए, और डेफिनेटली हम थिएटर ही जाएंगे, ये OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ ना हो ऐसी हम आशा करते हैं, क्योंकि तब तक अगर सिचुएशन ठीक हो जाए तो हम डेफिनेटली हम इस फिल्म को देखने थिएटर में ही जाएंगे। तो आपको ये फिल्म के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपकी कौन सी मेमोरीज़ है, मेरी तो बहुत सारी मेमोरीज़ है, बहुत ज़्यादा मार खा चुका हूँ इस कार्टून के लिए, वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो अपने टॉम एंड जेरी फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो मूवीज इन चैनल को, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।